हुआ। तो जो 1947 में आज़ादी हुआ है उसके बाद अब 70 साल बीते हैं, 70 साल में भी 50 साल ऐसे ही निकल गया। अब जो है इतिहास फिर से जो है हम यदि देखें तो इंटरनेट के ऊपर तमाम सारे बुक्स में, तमाम सारे जियो में अब स्वाभिमान कहीं ना कहीं जग रहा है। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। इस स्वाभिमान जगने के समय में जो है आज हम इस वीडियो में पासी समाज के इतिहास आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो विलियम कुक, जो एक बहुत बड़े जो है वो समाज शास्त्र के साइंटिस्ट माने जाते हैं, विलियम कुक का। सभी समाजों के ऊपर जो है वो क्या परिस्थिति है और समाज का क्या भागीदारी था, उस समय की क्या माहौल था, वो उस पर आपको विलियम कुक का जो है वो पुस्तकों में कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिल जाता है। लेकिन हम कभी भी किसी भी बाहर के ऐसे विद्वान का जो है वो महिमामंडन नहीं करते हैं, लेकिन विलियम कुक जैसे कुछ लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की ओर जो है वो इशारा और एक संकेत मिलता है। तो आज मैं इसी आधार पर, विलियम कुक के पुस्तक के आधार पर भी इस वीडियो को बनाने वाला हूं। एंड सेकंड पॉइंट है कि इसकी जो पासी समाज के लोग हैं, हमारे पासी जाति की इतिहास जो है, पासी समाज का इतिहास जो है, उस इतिहास में कुछ मान्यताएँ भी हैं, उस मान्यताओं को भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि मान्यताएं नहीं समझेंगे तो प्राचीन इतिहास से नहीं जुड़ पाएंगे। ये वेद पुराणिक इतिहास जो है कहीं ना कहीं मान्यताओं पर ही टिका हुआ होता है। मान्यताओं की बात पहले कर लेते हैं। मान्यता यह है कि पासी समाज जो कहीं पे गांव में देखते होंगे कि और जो हमारे पासी समाज के भाई हैं वो जो है पेड़ पौधे से तेल निकालने का काम करते हैं, अर्थात जो है तरह तरह के तार के वृक्ष पे भी चढ़ के तेल निकालते हैं, ये इनका आप जो है वो क्रियाकलाप रहा है। लेकिन आज नए युग में जो है इन समाज के बहुत ही बड़े जनसंख्या जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने नए नए रोजगार भी तलाश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं इनका मान्यता क्या है। तो इनका मान्यता थोड़ा प्राचीन है और ये भगवान परशुराम जी के जो है वो अपने आप को उन्हीं से उत्पत्ति का केंद्र मानते हैं। अब दो समाज हैं जो भगवान परशुराम से अपने आप को जो है जोड़ते हैं, एक है भूमिहार समाज और एक जो है पासी समाज। ये दो समाज ऐसे हैं जो अपने आप को जो है भगवान परशुराम जी के वंशज मानते हैं। ब्राह्मण समाज भी अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान परशुराम, महर्षि परशुराम जी से ही जो है वो अपना उत्पत्ति जो है मानता है। तो अब हम देखते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा ब्राह्मण समाज का जो है वो बहुत ही भास्ट हिस्ट्री भी एक और कई जगहों पे अलग अलग ब्रह्मा जी से भी अवतार मानते हैं वो लोग, तो ये भी है। अब चलिए पासी समाज के जो ये उत्पत्ति की कहानी है वो क्या है। पासी समाज के विषय में कहा जाता है भगवान परशुराम जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं पासी। अब ये पसीने से कैसे उत्पन्न हो गए पासी भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं और बहुत बड़े जो लॉजिस्टिक हो जाते हैं, इवन वो साइंस के ए टू जेड भी उनको नहीं मालूम होता है, लेकिन बहुत बड़े साइंस के स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी कभी प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो उनको बहुत ही आश्चर्य लग जाता है कि पसीने से भाई जो है व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं कि पसीने से जो है इस प्रकार से जन्म हुआ कि जो परशुराम जी हैं वो तपस्या में बैठे हुए थे और तभी जो है वो कुछ लोग जो है वो गाय को वध करने के लिए ले जा रहा था। फिर गाय को जो मारने लगा तो वहाँ से जो है आवाज़ आया, गाय चिल्लाने लगी, तो उसके ऊपर जो है भगवान परशुराम जो है वो कुश के व्यक्ति का बना के और उसके ऊपर जो है उनका आत्म प्राण प्रतिष्ठान कर दिया और प्राण प्रतिष्ठान करते ही उनके ऊपर जो है अपना पसीना गिराया और पसीना गिराते ही पांच व्यक्ति जो है वो जन्म ले लिए और उत्पन्न हो गए, जन्म नहीं लिए उत्पन्न हुए, और जो वही समाज जो है पासी या पसीने से उद्भव समाज जो है पासी समाज कहलाए। अब चलिए विलियम कुक के आधार पर पुस्तक में हम इस बात का सिद्धि और जिक्र मिलता है कि विलियम कुक क्या कहते हैं पासी समाज के बारे में। विलियम कुक कहते थे कि पासी जाति की परंपरा जो के अनुसार जो है पासी अवध क्षेत्र में शासन करते थे। अब यहाँ से देखिए कि पासी समाज के जो भाई हैं उनका इतिहास कितना प्राचीन और कितना उद्भव इतिहास है। यदि हम देखें तो प्राचीन समय में जो पासी समाज के लोग हैं वो अवध वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर शासक वर्ग रहे हैं, शासन किए हैं, इनके पास बहुत जमीन जायदाद जो है हुआ करता था प्राचीन काल में। ठीक है, उनके राजा खीरी, हरदोई, उन्नाव जिला जो है और बंदरमऊ जो शहर है स्थित है वहाँ पे पासी समाज का राजा हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे जो है चित्रण मिला है आपको, बिहार में भी जो है वो दुसाज समाज के लोगों का जो है वो एक राज घराने होने का प्रतीक हुआ है। प्राचीन समय में इन समाज का स्थिति के विषय में एक झलक मिला है। कुछ लोग जो है इनको बुद्ध धर्म से मानते हैं, लेकिन पासी समुदाय और पासी जाति के लोग जो है पूर्ण रूप से हिंदू सनातन परंपरा धर्म को के ही अनुयायी हैं, इसमें कोई दो मत की विषय नहीं है, बात नहीं है।
ठीक है, झूठी प्रोपेगेंडा कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से पासी समाज के लोग जो है वो हिंदू सनातन धर्म को ही मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शासक राजा संथाल और कन्नौज के द्वारा जो है इन्होंने उनके प्रति जो है अपनी संवेदनशीलता, या हम यूँ कहें कि उनको मतलब एक प्रकार से उनकी भाईचारगी समाप्त कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने अल्लाह रुदर जो सेनापति था उसको भेजकर पासी समाज के शासक को जो है वहाँ से नष्ट कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया, जिसके बाद ही पासी समाज के लोग अपने आप को जीवन जान और की रक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, और यही है पासी समाज का इतिहास। सो पासी समाज के इतिहास जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, जरूर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।